हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बना हूँ? एड्रेस कहाँ है किसी और से पूछो, यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर में ही हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। देखिए बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलो ठीक है, मुझे बताइए जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो देखने आई। 1 करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं। मुझे अस्पताल दिखाइए, चलिए। आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के साथ में पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ तंदुरुस्ती रहती है, वो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है पंचर है, तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहो। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। क्या? हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई MBBS देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे, फिल्म बहुत चली ना। जब फिल्म में डॉक्टर चल सकता है तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो इससे क्या होता ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह क्या बात है, आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं नहीं मैडम, ये जगह अलग है, यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो कितने काम करते हैं, ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। हाँ सो आप कुछ ना कुछ निकलेगा, देखा निकला कि नहीं? मेरी बात किसी को बताई नहीं है, वैसे आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूं मैं। अरे आप गा लेती हैं भाई, वाह वाह, फिर आपको हम यहाँ से बिना गाए नहीं जाने देंगे, आपको गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। क्या गाना तो सुनाना ही पड़ेगा। आपने गाना गा के मेरा दिल जीत लिया आपने। दिल? एक बात बताइए, दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है यार, लड़की इस तरफ से आ रही तो दिल इधर है, इस तरफ से आ रही तो इधर है, लड़की पीछे से आ रही तो दिल इधर है, तो दिल का क्या है? दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतने चक्कर आ रहे हैं आपको जी? चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं? देखो अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी मतलब? मतलब अरे केमिस्ट। हाँ केमिस्ट, केमिस्ट की दुकान तो ये है। देख दीजिए मुझे। वेलकम टू दैट फार्मेसिस्ट। मुझे ठीक है ठीक है, मुझे केमिस्ट नहीं लग रहा, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। चाय वाला इसका सरनेम है चाय वाला, जैसे दारू वाला बाटली वाला वैसे चाय वाला। तो चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं, ये काम भी दवाई है, ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई दवाई दो। अच्छा अच्छा, ये दवाई चाहिए आपको? शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर दवाई में? हाँ हाँ, इससे इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? दवाई की कड़वी होती ना तो कई पेशेंट खाते रहते हैं, नहीं कड़वी है नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डालोगे। लेकिन जब दवाई खुद बनाते हैं तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार तो हो सकता है ना? बीमार हो गए तो है तो हॉस्पिटल में, उधर ही ठीक कर। मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। तो आइए आइए, आप
टाइम वेस्ट कर रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मुझे एक सवाल पूछना है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये बताइए, आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते? वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती, उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। आइए मैडम, आइए आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाएं। बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं, नहीं लगाना नहीं लगाना। ये क्या बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है। उस हिसाब से वो तो ठीक है। कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं, पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री विग्री, जैसे MBBS हो गया, MD हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम आप बात को समझो, देखो डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टर डॉक्टर बच्चा बच्चा भगवान भगवान, ठीक होगा कि नहीं? देखिए आप हम पे शक ना करें, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, हमसे पूछ लीजिए। देखिए बच्चा कह रहा तो किया ही होगा, वैसे भी बच्चे मन के सच्चे, मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती है। देखिए अब तो आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी बड़ी फेंकूंगा, ये छोटा छोटी छोटी फेंकेगा। आप लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स है जेंट्स जेंट्स फेंकेगा, तो फेंकना फेंकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है ये बच्चा, ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, लाइट चली जाती ना ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई देखा। डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है बेटे, बन के दिखाओ। ये बंद कर रहा है ट्यों ट्यों, ये ट्यों ट्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। पेशेंट मैं भी इतनी देर से सोचू कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक भी पेशेंट नहीं है। पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए जी, हो नहीं रहते, हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या कवर किया, हमने सोचा था हम पकड़े गए। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाएंगे? पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना है। पर आप जितने सवाल पूछ रही, असली डॉक्टर भी 2-3 बार पकड़ा जाए। बहुत सवाल पूछती हैं आप। देखिए मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइए, मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो फटाफट। बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, इन्हें बचा लीजिए। तुम्हारा बाप तुम बचाओ, हम क्यों बचाएं भाई। चलो कोई नहीं, तुम्हारे पापा हैं तो एक काम करते हैं, इनके लिए हम प्रेयर कर देते हैं। प्रेयर सुबह शाम ये 2 प्रेयर लिख के देता हूँ, ये आप करें। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, ये आप करें, काफी बेटर महसूस करेंगे। अरे आप क्यों प्रेयर करेंगे, आप डॉक्टर की बीवी नहीं है, और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। क्यों मोटा भैया बताइए क्या हुआ इनका? अरे देवी जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर में फालतू का भटक रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम से धड़ाम की आवाज सुनाई थी, मैं तुरंत वहां पहुंचा। मतलब कि बाथरूम में गिरे हुए थे? नहीं नहीं, गिरा हुआ तो गीजर था। फिर जब मैं बाथरूम में था, मुझे बेडरूम से मेरे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। मतलब कि बेटे बड़े बड़े इनको हार्ट अटैक आ गया? नहीं नहीं, मम्मी ने चिपकली देख ली थी इसलिए चिल्लाई। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ऐसा है कि मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आएगा मेरे को बता देना, ठीक है? नहीं बस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर मैं हॉल में पहुंचा, पिताजी बड़े आराम से बैठ के वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने कहा आ, 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 मुझे लगा राग अलाप रहे हैं, तो मैंने भी शुरू कर दिया आ, 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 आ। बाद में मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, तो तुरंत दौड़ के मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। यार तुम इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इनको इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, भागे यहाँ से, इमरजेंसी हो तो आना यहाँ पे। अरे तो आपके हिसाब से ये इमरजेंसी केस नहीं है, तो फिर इमरजेंसी केस क्या है?
देखिए मैडम, इमरजेंसी होती है कि आदमी को बहुत तेज से बाथरूम लगा और जी पटक जाए, ये होती है इमरजेंसी। देखिए अगर आपने इस पेशेंट का इलाज नहीं किया ना, तो आपका ये सर्टिफिकेट जरूर अटक जाएगा। अरे अरे भाई, इतनी छोटी सी बीमारी का इलाज तो हमारे सीनियर डॉक्टर कर देंगे। अरे भाई देखो, 5 लाख में सिर्फ मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऑपरेशन नहीं कर सकता मैं। अरे 5 लाख 10 लाख जितने पैसे आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए। देखो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो इसी को क्यों ठीक कराना, हम आपको रिप्लेस करके नया बाप दे देते। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक बार इंजन खुल जाए ना गाड़ी का, फिर बार बार सर्विस मांगती, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्लेस कर लो अच्छा रहेगा। ओहो, आप लोग डॉक्टर हैं या मैकेनिक? आपको गाड़ी ठीक कराने की ऐसे ही पूछ रही मजे लेने के लिए? अरे बस कब से देख रहा हूँ आप फालतू की बात किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। इतने देर में तो मेरे पिताजी का आधा ऑपरेशन पूरा हो गया होता। देखिए आप ऑपरेशन कीजिए वरना मैं आप पर केस फाइल कर दूंगा और मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। बस एक मिनट, लेट मी चेक। इनको इधर इधर बैठ जाइए, आइए आइए। अरे फटाफट जाओ उधर। अरे अरे पिताजी है। अरे हुआ हार्ट अटैक, निमोनिया की एक्टिंग क्यों कर रहा है? चलो लिटा दिया भैया, ये नहीं बचता। अरे ये क्यों लेट हुए? अरे सुबह से खड़े हैं, पीठ सीधी कर रहा था जी, पीठ सीधी कर रहा था। भाई वाह, मैंने पहली बार हार्ट अटैक के पेशेंट के चेहरे पे इतना ग्लो देखा। आई रियली लाइक टू मीट यू। अरे वो वेरी नाइस पिताजी। मैं चेकअप करता हूँ, एक सेकंड। टेरिकॉट कहाँ लगा रहा है ये? एक सेकंड, आपने इन्हें लाने में देर कर दी। क्या मतलब? एक घंटा पहले ले आते तो बचा सकते थे। हार्ट अटैक ही आधा घंटा पहले आया, मैं एक घंटा पहले क्यों लेकर आता इनको? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बात है। सही बात है। अरे आप जरा इनको ध्यान से देखिए तो सही, इनकी सांसें चल रही हैं। देखिए भाई साहब, इधर आइए। आप ना मोटा दिमाग ना लगाएं अपना। अब पंखा बंद करते हो जब, एकदम से तो नहीं बंद होता ना, धीरे धीरे होता ना बंद। तो अभी सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हम हैं ना, डोंट वरी। अरे क्या हम करेंगे यार, किसी बात कर रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी हालत है, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा कस्टमर आ गया, मैं आया रहा। हाँ। अरे देखिए वो सांसें भी नहीं ले पा रहे। अरे पिताजी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हैं? अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार? 2 दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब ठीक हो जाए तो सांस ले ले, तब इतनी क्या जल्दी है। अरे यार ये क्या कह रहे हैं आप? सांस है तो शराब नहीं है कि ठीक होने के बाद पी लेगा वो? मुझे लगता है इनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आपके पास ऑक्सीजन है नहीं। है, है। सच्ची में है हार्ट अटैक भाई। ओ चंदू आ जा, आ गया, आ गया। ऑक्सीजन लेके आ फटाफट ऑक्सीजन। अरे गुब्बारे से कौन ऑक्सीजन देता है? हाँ कौन देता है? इंस्पेक्टर इसलिए सवाल पूछ रही, तू क्यों बार बार सवाल पूछ रहा है मोटूलाल? देखिए मैडम ये जो है ये स्वदेशी ऑक्सीजन है, हम लोग यही भी बनाते हैं यही भी देते हैं। बासी ऑक्सीजन हम देते नहीं, बाहर से इसलिए लाते हैं, मिलावट बड़ी होती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि ये इसके आसपास कुछ चल रहा है आसपास। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? यार ये एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि आसपास कुछ हो रहा है। शाबाश, कांग्रेचुलेशन। केमिस्ट चंदू, हाँ जी जल्दी जाओ और भी बहुत सारी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। ओके डन। 150 गुब्बारे और बुलाओ, पीछे बर्थडे उनको दे के आओ। डॉक्टर साहब आप फटाफट ब्लड टेस्ट कर लीजिए। हाँ ब्लड टेस्ट करना है, पहले आप फॉर्म पे साइन कीजिए। इस फॉर्म में लिखा क्या है डॉक्टर साहब? इसमें लिखा है कि जब आपका ब्लड टेस्ट करेंगे आपकी जान चलेगी तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। लेकिन बीमार मेरे पिताजी हैं, आप मेरा खून क्यों निकालेंगे? हाँ तो गंदा खून तो उन्हीं का ना तुम्हारे अंदर। बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी है, लाचार आदमी है, उसका ब्लड लेते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑपरेशन के लिए, हार्ट अटैक के ऑपरेशन के लिए ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत? अगर ये जरूरत नहीं है तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, फिर आप अब बता रही हैं। चलिए ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है तो हम इनका एक्सरे कर देते हैं। एक्सरे कर दो आप फटाफट कर दो। हाँ कीजिए कीजिए। कितने वाला एक्सरे करना है? कितने वाला क्या होता है, आप एक्सरे कर रहे हैं कि भेलपुड़ी बना रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी है, हमारे पास 100 रुपए वाला एक्सरे है, हमारे पास 120 वाला है, 150 वाला है, और ज्यादा आपको अच्छा काम क्वालिटी का एक्सरे 250 रुपए का भी आता है, आपको अच्छा करके देंगे। अरे इतनी वैरायटी तो साड़ी वाला नहीं दिखाता जितनी आपके एक्सरे में है।
देखिए वेरी गुड क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी बैड बट स्टिल आई एम गिविंग यू. देखिए जो 100 रुपए वाला एक्सरे होता है उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं तो वो दिखने में भी नॉट सो गुड लुकिंग. जो 250 वाला एक्सरे है उसमें बीमारी भी कोई नहीं आती और बड़ा उसमें जरी का काम बड़ा बारीकी से किया होता है और अगर आपका यूज में ना आए उसको फ्रेम लगाएं और उसको अपने घर में लगा लें. इट्स वेरी सिंपल. और जब ये एक्सपायर हो जाए आपके काम भी आ जाएगी फोटो. अरे ये बिना मशीन के एक्सरे बना रहे? ये आयुर्वेदिक एक्सरे है. इससे ना पोल्यूशन नहीं होता. बहुत कमाल की चीज है आयुर्वेदिक एक्सरे. इको फ्रेंडली. अरे अरे क्या एंजॉय करने आए इधर? बाप का ऑपरेशन थोड़ा हाथ बटाओ. चलो क्यों? अरे बाप का ऑपरेशन नहीं तो बहन की शादी नहीं है जो वो हाथ बटाएगा. हाथ बटाओ. बहन की शादी नहीं है तो फिर क्या होगा? हेल्प तो करनी पड़ती कि नहीं? चलो सब थोड़ी थोड़ी हेल्प कराओ. ए देखो ईसीजी करते जाओ तुम हाथ से. ऐसे? हाँ ईसीजी करते जाओ. ईसीजी रिपोर्ट की तरफ. ए तुम्हारे बाप की जान तुम्हारे हाथ में है. तुम्हारी ईसीजी रुकी बाप चलाया जाएगा समझो. चलो 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 चलो. मैडम आप थोड़ी हेल्प करा दी ना बच्चे की. थोड़ा रैप टैप गा दीजिए थक जाएगा वो. चलो ईसीजी मशीन थक जाएगी. रैप गाती हूं, रैप गाती हूं. मीठा चिक चिक चक चिक 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 चक चक चिक चिक चक चिक 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 तैयार हो गया है. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन. डॉक्टर साहब अब तो आप गए. अगर आपने इस मरीज को ठीक नहीं किया ना तो मैं आपको फ्रॉड और मर्डर के केस में 335 340 सेक्शन के तहत अंतर करवा दूंगी और 1300 साल की जेल हो जाएगी आपको. बड़ी चिंता. आपके पति हैं ये. 1300 साल की जेल हो जाएगी. डबल में श्योर कुछ कर रहा भाई? कुछ कर रहा? मैं भी करता हूँ. दुबे पानी का एक भाग के जाके वहां से ऑक्सीजन लेके आओ. आप भी साथ जाओ. पागल है कुछ और दे दो. पानी लेके आओ. पानी ऑक्सीजन. मुबारक हो. ऑपरेशन कामयाब हुआ. आप ऑपरेशन कामयाब हुआ. खड़े हो जाओ पिताजी. पिताजी ठीक हो गए? सबसे पहले किसका मुंह देखना चाहोगे? उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, हार्ट अटैक का हुआ है. चलो पिताजी ठीक हो गए. ये कौन है? आप ही नहीं तो आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं लेकिन वो तो बूढ़े थे कि तो जवान है. तो दवाइयां का असर हो जाता है. सर्जरी भी बहुत बड़ी थी ना. अरे नहीं 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 ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? शक्ल भी अलग है. अरे पहले पहले पिता की शक्ल कितनी गंदी थी. ये देखो कितना हैंडसम दिया हमने. बाल भी काले कर दिए हमने. देखो ठीक तो है. क्यों भी पिताजी कैसे फील कर रहे हो? He's feeling nice. नहीं 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 ये मेरे पिताजी नहीं है. अरे अरे दिमाग खराब हो गया? अपने बाप को नहीं पहचान रहे हो? अरे मेरे पिताजी तो सिंधी थे, तो भोजपुरी बोल रहा है. देखिए मैंने जो इनको इंजेक्शन दिया ना वो मेड इन कानपुर था, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहे. दो चार दिन रखो, बोल बोल के ठीक हो जाएंगे. ले जाइए आप. अरे बेटा तुम्हारी माँ की याद आ रही है, चलो बाहर घर चलो. तेज मैडम. देखा मैडम, जीवन का कल्याण करते हैं हम. ऐसे ही वर्क करते हैं, ऐसे ही हम लोगों में खुशियां बांटते हैं. वाह भाई वाह, मजा आ गया. मान गए आपकी पार की नजर और डॉक्टर मशहूर दोनों को. भाई मैंने सोचा था पहले कि आप बहुत ही टुच्चे लोग हैं, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही फट्टू है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप तो कमाल के हैं. लाइए लाइए मुझे जल्दी लेट हो रहा है. वेरिफिकेशन पेपर साइन कर दीजिए. ये यहाँ पे ये साइन कर दीजिए. बहुत अच्छे. आप कभी कोई बीमार हो इधर मरने के लिए भेज देना. आइए लीजिए. थैंक यू. चलिए बाय. चलती हूँ. बाय. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.